हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस इलेक्ट्रिक। मैं हमदाद और आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि होम थिएटर यानी साउंड सिस्टम की रिपेयरिंग किस तरह की जाती है, किस तरह से उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास एक म्यूज़िक सिस्टम की जो सर्किट है, फिलहाल अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ये ख़राब हो चुका है, इसमें से आवाज़ क्लीन नहीं आ रहा था, उसके बाद से ये एकदम से आवाज़ आना बंद हो गया है। जैसा कि मैं अभी आपको पावर कनेक्शन देके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं ये अभी हमने पावर कनेक्शन इसको दे दिया है, और इसमें म्यूज़िक करते हैं चालू, तो जैसे कि हमने इस पर म्यूज़िक कर दिया है चालू, लेकिन इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। देख रहे हैं इसमें से इसके आईसी से पूरा धुआं निकल रहा है, यानी ये आईसी उसका पूरा हो चुका है डेड। और म्यूज़िक सिस्टम की ये अगर मैं बात करूँ तो इसका आवाज़ क्लीन ना आना, और आवाज़ ना आना या आवाज़ कम आना, तो हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है, तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है ये इस आईसीयू में होती है। तो अभी जैसा कि ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसका आईसी कर देंगे चेंज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आईसी का नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 2030 में आता है आपका, इसका जो आईसी का जो नंबर रहता है वो 2030 में आता है। तो अभी मल्टीमीटर किससे के द्वारा हम आपको दिखा देते हैं चेक करके कि इसका आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। तो अभी इसको मल्टीमीटर को हमने कर दिया है कंटिन्यूटी पे सेट, जैसे कि अब बीक का साउंड सुनते हैं, और एक को हमने लगा दिया बॉडी पे, और इसका फर्स्ट कनेक्शन में हम देखते हैं, तो देख सकते हैं आप कोई भी वो बिलिंग नहीं कर रहा है, और दूसरे कनेक्शन में कोई भी नंबर बिलिंग नहीं कर रहा है, तीसरा कनेक्शन हमारा कॉमन रहता है, चौथा कॉमन रहता है, पाँचवा में हमारा पॉइंट आना चाहिए ना कि बीप। तो देख सकते हैं इसका तीनों आईसी जो है इसका पाँच नंबर कनेक्शन से पूरा यानी बीप आ रहा है, यानी पूरा तीनों आईसी ख़राब हो चुका है। तो हम कर देंगे ये नया आईसी में इसको चेंज। तो आप देख सकते हैं मैं नया आईसी को दिखा देता हूँ आपको, इसका पाँच नंबर जो कनेक्शन है इसमें मैं अगर लगाता हूँ तो हमारा इसमें पॉइंट आता है, आके चला जाता है, ना कि बीप आता है। तो हमारा चौथा ये भी इसमें पॉइंट आ रहा है, और ये पांचवा हमारा कॉमन रहता है, मिडिल का जो पॉइंट है तीन नंबर कॉमन रहता है, और ये चार नंबर पे नंबर आ रहा है, और पांच नंबर पे भी नंबर आके चला जाता है, यानी हमारे सही कंडीशन में इस तरह की होती है। तो अभी इसको हम कर देंगे चेंज आईसी तीनों को, उसके बाद आपको ये चला के हम दिखाएँगे। हमने अब तीनों आईसी को निकाल लिया है बाहर, तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास ये तीनों आईसी है जो हमने निकाला है। तो देख सकते हैं हमने अभी तीनों को निकाल लिया है बाहर, और अभी हमारे पास ये तीन नया है जो जिसको हम अभी लगाएंगे। तो देख सकते हैं इसको हमने अभी लगा दिया है पूरा कनेक्शन, अभी इसको हम दे रहे हैं उसमें म्यूज़िक, तो देखते हैं कि हमारा ये सही हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं इसमें हमारा बराबर साउंड आ रहा है, यानी ये हमारा हो चुका है ओके, इसमें आप देख सकते हैं बराबर साउंड आ रहा है। तो ये देख सकते हैं मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये सही वर्क कर रहा है, इसका वो बफर भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका बफर भी बराबर काम कर रहा है, ये हो चुका है बिल्कुल सही। तो अभी अगर होम थिएटर में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसका साउंड क्लियर ना हो या साउंड नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप आईसी को चेक करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कर देना,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।